गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कौशल, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलिंग, यानी कि स्केलिंग डेवलपमेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, वो है कौशल, यानी कि ज्ञान में जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जिन जिन पॉइंटों का समावेश है, विश्वास का, मैंने आपको सूचना का, तो उसमें हमने देखा कि कौशल का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं कि बिना कौशल के ज्ञान का जो हम प्राप्ति नहीं करते, जिस तरह से हम ज्ञान प्राप्ति को अंतिम अपना लक्ष्य मानते हैं, उसी तरह से उस अंतिम लक्ष्य में हमारे कौशल का समावेश होता है। अगर सिंपल हम देखें तो कौशल को हम कहेंगे क्या, कौशल क्या होता है, कौशल का अर्थ होता है हमारी निपुणता, जिसमें हम पूरी तरह से पारंगत होते हैं, वो चीज हम जो पूरी तरह से सीख जाते हैं। ज्ञान में जब हम ज्ञान लेते रहते हैं और ज्ञान में उसी चीज की हम पूरी निपुणता हासिल कर लेते हैं, पूरी पारंगतता हासिल कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कौशल। जिस तरह से हम देखें कि हम जब कार्य करते हैं, सीखते हैं, एक हम सिंपल भाषा में देखें कि हम कोई भी, जैसे एक जो हमारे मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बनाना सीखता रहता है, लेकिन कई बार वो चीज़ों को कभी उसमें कुछ कमी, या उसको आगे जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाएंगे, एक दिन वो मूर्ति इतने अच्छे से बनानी सीख जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये निपुणता, यानी अपने कार्य में दक्षता हासिल कर, अपने कार्य में दक्षता हासिल करना कौशल होता है, जिसे हम कहते हैं निपुणता, होशियारी, जिस चीज़ को हम कहते हैं कि हम उस चीज़ में होशियार हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उस चीज को पूरी तरह से हम सीख जाते हैं। इसी निपुणता को देखते हुए हम उसमें क्या करते हैं, कहते हैं इसी चीज से हम अपनी चालाकी भी दिखा सकते हैं, यानी कि और अच्छा कर, वो चालाकी उसका मतलब कि हम उसे बहुत अच्छे से और अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि किसी कार्य को जहाँ हम सामान्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन कौशलता जब हमारे पास आती है तो उसमें कहा जाता है कि कौशलता में हम पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं, निपुणता हासिल कर लेते हैं, उसमें हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि कौशल का अर्थ होता है निपुणता, यानी जिसे हम कहते हैं ना स्केलिंग, स्केलिंग का अर्थ हो गया हमारी निपुणता। तो कौशल का अर्थ है हमारा, अर्थ है कौशल का निपुणता, यानी कि पूरी तरह से सीखना। अब हम देखें कि आखिरकार कौशल होता क्या है, कौशल का अगर हम अर्थ जानने लगे तो इसे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि कौशल होता है जो हमारी किसी चीज में, या कहते हैं कि यह है हमारी एक मनोगत्यात्मक प्रक्रिया, प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मनोगतात्मक यानी कि मन से, जहां हमने एक चीज देखी थी कि ज्ञान हमारा संज्ञानात्मक है, लेकिन वो एक हमारी मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन जो कौशल होता है वो हमारी मनोगतात्मक होती है, यानी कि जो हम मन से जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर विषय का ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट को, किसी व्यक्ति को किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा वो विषय अच्छा लगता है, यानी कि वो उसमें पारंगतता हासिल करते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि विषय विशेषज्ञ, तो विषय विशेषज्ञ भी यहाँ पर अपने विषय में अपनी मनोगतात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि वो अपने मन से उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि कौशल जो है वो एक मनोगतात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि ज्ञान हम शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो हमारा कौशल है इसे हम शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, शिक्षण में प्रशिक्षण, क्योंकि जब हम उस चीज के बारे में जानते हैं तो हम उस विषय का शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, सीखते हैं उस चीज को, लेकिन जब हम उस चीज में पारंगत हो जाते हैं, किसी चीज को हमें आगे बढ़ाना होता है, तो हम देखते हैं कि हम उस विषय से संबंधित ज्ञाता के पास में जाते हैं, उससे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, या हम कहें कि हमारे कार्य को बहुत आगे हमें बढ़ाना होता है, अच्छे से अच्छा करना है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरीके से हमें उसका प्रशिक्षण
अपनाते हैं, यानी कि हम ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं, जो जितना हमें अच्छा समझाए हम उसके पास जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ ये मनोविज्ञानात्मक होती है वहाँ ये शिक्षण के साथ हम इसे प्रशिक्षण में भी काम में लेते हैं, अर्थात हम इसको प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम इसे प्राप्त करते हैं। और एक चीज ये है कि जो कौशल होता है, हमने देखा कि ज्ञान हमेशा हम कहते हैं कि मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं, लेकिन कौशल के लिए कहा जाता है कि कौशल जो है वो एक मूर्त रूप होता है, अर्थात हम जो कार्य करते हैं सबसे पहली चीज कौशल में हम जो कार्य करते हैं वो मूर्त रूप से हमें दिखाई देता है। जब तक हम स्वयं नहीं देखते हैं उस चीज को तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, अर्थात कौशल का रूप कैसा होता है, मूर्त होता है, उसे हम देख सकते हैं। हम देखें कि अभी अगर किसी बच्चे में स्केलिंग राइटिंग स्केलिंग डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी राइटिंग है, तो हम उसका किस तरह से पता करेंगे, उसकी राइटिंग को लिख के देख के, अर्थात हम उस कौशल का जब भी हम प्रयोग करेंगे या हम उसे सही कह सकते हैं जब हम उसे मूर्त रूप से देखें। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि जो हमारे कौशल होते हैं, जिस चीज की हम पारंगता हासिल करते हैं, तो वो चीज हम किसके द्वारा करते हैं, जब हम उसको पूर्ण रूप से देखते हैं कि हमें इसमें किस चीज से। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन उन गुणों को जो हम बाहर निकालते हैं वो हमारा कौशल होता है, कि हम उसे किस तरीके से बाहर निकालते हैं वो हमारी निपुणता है। हम देखते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन वो बच्चा अपने विचार अपने लिए कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या होगा, कौन सी स्केलिंग डेवलपमेंट होगी उसकी भाषा का, यानी कि वो उसके अंदर नहीं है, वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे कि उसको उस चीज के लिए प्रशिक्षण देंगे कि आप इतने इंटेलिजेंट है, किसी चीज से जो कमी होती है उसको प्रशिक्षित करेंगे कि आप उस चीज को अपना बाहर निकालें। एक चीज हम देखें तो हम जो कौशल है उसको हम एक क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता भी कह सकते हैं, कलात्मकता कह सकते हैं, कि ये हमारी एक कला होती है कि जो हमें किस तरीके से हमारे कार्य को प्रदर्शित करना है, ये हमें कौशल के माध्यम से हम सीखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कौशल क्या है, हमारी निपुणता, होशियारी, या हम इसे कहते हैं कार्य दक्षता, जिसमें हम पूरी तरह हम अपना उसका कार्य सीख जाते हैं, वो होता है हमारा कार्य। यानी कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर इसकी परिभाषा देखें हम, कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रक्रिया की गई है जिसे स्वचालिकता में लाया जाता है और एक विशिष्ट लक्ष्य की एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी कि कौशल के लिए कहते हैं, हमने देखा है कि जब ये मनोगतात्मक है यानी मन से चलने वाली, तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, स्वचालित, यानी कि जो अपने आप चालू हो। एक तो हमें कहा जाए कि आप साइंस ही पढ़ो, अगर हम कहें कि जिस बच्चे का मन साइंस पढ़ने का नहीं होगा, तो कभी भी आप देखेंगे कि वो बच्चा जब अकेला होगा या अपने मन से पढ़ने लगेगा, तो वो अपनी अगर जिस विषय में उसका मन है वो ही प्रक्रिया करेगा और वो ही विषय पढ़ेगा, अर्थात वो स्वचालितता करता है, यानी कि अपनी इच्छा से चलता है, स्वयं की इच्छा से चलता है। तो कौशल के लिए यही कहा जाता है कि कौशल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्वचालितता पर होती है, यानी कि वो स्वयं चलाता है व्यक्ति, उसकी मन के आधार पर चलाता है, और इसी के द्वारा हम कहते हैं कि एक हम विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर ले, वो विशिष्ट लक्ष्य की नाम क्या है, कौशल, यानी उस कौशल की प्राप्ति हम कर लेते हैं जिसमें हम स्वयं कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब स्वचालितता रहेगी तो बच्चा क्या करेगा, पहले स्वयं सीखेगा और स्वयं सीखने के बाद में वो अपने लिए एक प्रशिक्षण लेने की कोशिश करेगा कि हमें किसके माध्यम से इसको सीखना है। तो इसमें बताया गया है कि कौशल की जो परिभाषा है, जो अर्थ है, वो मैंने आपको बताया है कि कौशल होता है हमारा, अगर कौशल का हम अर्थ देखें तो कौशल को स्किलिंग जो हम कहते हैं, तो वो कहते हैं हम निपुण
क्षमता, होशियारी, कार्य में दक्षता, कौशल होती है। कौशल की परिभाषा हम देखें तो कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे स्वचालितता में लाया जाता है और एक विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक होता है। एक चीज ये है कि जो हमारा जो कौशल है वो कैसा होता है, मनोवितात्मक होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम उसकी प्राप्ति करते हैं। तो हमें यही चीज हम ध्यान में रखेंगे कि कौशल आखिरकार होता क्या है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ये करते हैं कि कौशल, ज्ञान और जो हमारी योग्यता, हम उसको एक तरीके से देखने लग जाते हैं कि आखिरकार ये तीनों एक ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज्ञान भी, क्योंकि ज्ञान भी हमारा अंतिम होता है और कौशल भी हमारा अंतिम होता है, लेकिन जो हम करते हैं इनका जो अर्थ है हमारा वो विभिन्न चीजों में अलग अलग है। वो कैसे है, अगर हम देखें कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान है, ज्ञान के लिए हम देखें तो ज्ञान को हम एक संज्ञानात्मक, हम ज्ञान के लिए संज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम इसे कहते हैं कि ज्ञान संज्ञानात्मक होता है और हम कहें इसे कि ज्ञान सैद्धांतिक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। लेकिन अगर हम यहां देखें किसके लिए, हम यहां कौशल के लिए देखें, कौशल के लिए हम देखेंगे तो कौशल के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो चीज बताई कि मनोवितात्मक है, ये संज्ञानात्मक और ये मनोवितात्मक, और मनोवितात्मक के आधार पर, मनोवितात्मक के आधार ये हमारा एक प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, माध्यम से प्रवीणता हासिल होती है, इसमें हासिल होता है किसमें, हमारे कौशल में। यहां हम मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम सोचते हैं और समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक है हमारी योग्यता। अगर योग्यता को हम कहें तो योग्यता हमारी, जो हम यहाँ पर प्रशिक्षण लेके शारीरिक भी करते हैं, संज्ञानात्मक में हम मानसिक भी करते हैं, लेकिन योग्यता के लिए कहते हैं ये मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों, शारीरिक दोनों प्रकार की होती है। क्योंकि हमने देखा है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अकस्मात अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या होता है, उसकी मानसिक, जो उसकी मानसिक है उसका भी असर पड़ेगा, साथ में शारीरिक भी वो कमजोर हो जाएगा। तो इसमें कहा जाता है योग्यता जो आती है हमारी वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह पर आती है। तो अब हम तीनों में एक चीज को कंफर्म कर सकते हैं अंतर का, कि ज्ञान हमारे संज्ञानात्मक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, अगर हम इसे कहें तो मूर्त, अमूर्त प्रकार का है। लेकिन जो कौशल है वो हमारा मनोवितात्मक है, इसे हम कहें तो ये ऑनली एक मूर्त रूप होता है इसका, जिसे हम देख कर विश्वास कर सकते हैं। और साथ में अगर हमें इसे आगे बढ़ाना है या इसमें हम और डेवलप करते हैं तो हम किसके माध्यम से करते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से। और जहाँ योग्यता का कहें कि योग्यता तो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती है। तो ये तीनों चीज मैंने बताई आपको, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम इन तीनों चीजों को एक ही समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको इन तीनों में थोड़ा सा अंतर बताया है कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान हमारे पर जो कौशल और योग्यता, इन तीनों में क्या अंतर होता है। अब हम देखें दूसरा, हमारी मैंने अर्थ बताया, परिभाषा बताई, अब है हमारा तीसरा प्रकार। तीसरा है हमारा प्रकार। प्रकार में हम देखें तो पहला है हमारा कि जो हमारी कौशल है वो किसके माध्यम से, जो प्रक्रिया होती है ना वो किसके माध्यम से होती है, मनोवितात्मक के आधार पर, मनोवितात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। यानी
जो भी हम स्टेप करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, जो माध्यम चुनते हैं उसके लिए, वो सब हमारी मनोविज्ञानात्मक स्थिति पर आधारित होता है। हम उस मन के आधार पर ही हम इसको सीखते हैं। फिर है हमारा व्यवहार, सेकंड है हमारा व्यवहारिक। जो मैंने बताया कि हम हमारा जो ये ज्ञान होता है, जो कौशल होता है, वो एक व्यवहारिक होता है, क्योंकि कौशल के द्वारा ही हम कौशल के द्वारा प्राप्त ज्ञान किसमें लाया जाता है? व्यवहार में लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? अभी मैंने सिंपल पहले उदाहरण दिया, एक टीचर, एक जब हम बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं, बीएड में हम कौशलता हासिल कर रहे हैं, तो उस बीएड के जो आप पाठ्यक्रम है, उस बीएड को आप किसमें प्रयोग में लेंगे? टीचिंग करने में। हम उसको जब हम आगे जाएंगे या हम उसको रोजगार बनाएंगे अपने व्यवहार में लें, तो हम किस रूप में ले सकते हैं? पढ़ाने के व्यवहार में। यानी कि कौशलता का ये अर्थ होता है कि कौशल जो हम ग्रहण करते हैं, उसे जरूर से जरूर हम उसे व्यवहार में अपने में उपयोग करते हैं। सीखी हुई चीज का हमारा उपयोग होता है हमारे जीवन में। तो ये है हमारा व्यवहारिक। तीसरा है इसमें सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अर्थात हम क्या करते हैं इसमें? जो कौशल हासिल करते हैं, जिसके द्वारा छात्र हमारा क्या करते हैं, संबंध किससे होता है हमारा? सृजनात्मकता से, जिसमें छात्र द्वारा उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर कोई नई चीजों का आविष्कार, या कहते हैं कि नवीन चीजों का हम उसमें डेवलप करते हैं, जिसमें प्राप्त ज्ञान के माध्यम से छात्र नवीन तथ्य बोल सकते हैं, नवीन ज्ञान बोल सकते हैं, नवीन आविष्कार बोल सकते हैं, नवीन ज्ञान का आविष्कार करता है, सृजन करता है, उसे आगे वो से सीखता है, उसमें और अच्छे से परिवर्तन करता है। फिर है हमारा कलात्मकता, जिसे हम कहते हैं कि कौशल हमारे हाथ की कला भी होती है। एक मूर्तिकार क्या करता है? उसकी कला क्या है? मूर्ति बनाना। अगर सिंपल हम देखें, एक कार चलाने वाला है, उसकी कला किसमें है? कार चलाने में। एक क्रिकेटर की हम देखें कि सचिन तेंदुलकर, हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या है उन्होंने? क्रिकेट में, बल्लेबाजी में क्या कर रखी है? उनकी कला है। उनको क्रिकेट खेलने में जो वो बैट से खेलते हैं, या कहते हैं कि बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करना उनकी एक कला है कि वो किस तरीके से चौके या छक्के लगाते हैं। तो ये हमारा एक कलात्मकता भी कहा जाता है कि जो हमारे कौशल है, कौशल के प्रकार। अगर हम देखें वैसे कौशल को जब हम प्रकारों में डिवाइड करते हैं, तो हम इसके विभिन्न नाम देते हैं जो हम हमारी माइक्रो टीचिंग में काम में लेते हैं, कि बच्चों में या एक स्टूडेंट में कौन कौन से कौशल। जहाँ हम शिक्षण कौशल में बात करेंगे, तो शिक्षण कौशल हमारे अलग आएंगे इसमें, क्योंकि शिक्षण कौशल होते हैं हमारी जो शिक्षा से संबंधित, या हम जो टीचिंग करते हैं उसमें हमारी भाषा कौशल आता है, हमारे राइटिंग स्किल आती है, हम जो प्रदर्शन कौशल आता है, हम उसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये एक शिक्षण कौशल में आते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको जो बता रही हूँ, वो सामान्य कौशल के जो प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों में ही उन कौशलों का समावेश होता है। अब सेकंड है हमारी, इसमें जो लास्ट हमारा जाता है वो है हमारी विशेषताएं, कि हमारे ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सॉरी, ज्ञान की नहीं, कौशल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौशल की विशेषताएं, कौशल की विशेषताएं, कौशल की विशेषताएं। अगर हम देखें कि कौशल की विशेषताओं के बारे में, तो हम कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति उस कौशल को हासिल करता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? तुलनात्मक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यानी सबसे पहले आगे हमारा तुलनात्मक ज्ञान की प्राप्ति करता है, वो प्राप्ति तुलना भी करता है, एक विषय पढ़ रहा है, उसको वो विषय अच्छी ना लगे दूसरे विषय, यानी कि वो कंपेयर कर रहा है, उसको तुलना कर रहा है, जो चीज उसे अच्छी लगती है उस चीज में, और जो चीज हम कहते हैं कि दूसरों के कहने से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें वो व्यक्ति
तुलना करने लग जाता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसको क्यों नहीं सीख सकता या इसको मैं किस तरह से सीख सकता हूँ। तो सबसे पहला हम पढ़ें कि ये तुलनात्मक ज्ञान में आ जाता है कि जिसे हम किस तरीके से हम उसे प्राप्त करेंगे। यही हमारा जो मनोवैज्ञानिक है वो भी यही कहते हैं कि यह हमारा एक तुलनात्मक ज्ञान की तरह प्राप्त होता है। तीसरा हम देखें कि हमें इस ज्ञान में यानी कि कौशल ज्ञान में जो ज्ञान होता है हमारा वो कैसा होता है, अंतिम ज्ञान होता है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था ज्ञान में ही इसका समावेश होता है, ये ज्ञान की ही प्रक्रिया होती है कौशलता। तो इसमें सबसे पहले यही चीज है कि ये हमारा अंतिम ज्ञान होता है। थर्ड है हमारा कि कौशल हमेशा ज्ञान की उपयोगिता पर आधारित होता है। यानी कि जो वो ज्ञान ले रहा है उसे कितना उसको प्रयोग में ले सकता है, कितना उसे प्रयोग में कर सकता है, यानी कि उस कौशल को कहाँ किस तरीके से ज्ञान में उसका समावेश करना है, उस कौशल को इतना प्रयोगी बनाना है उसे कि वो आगे भी उसका प्रयोग कर सके। एक कहा जाता है कि कौशल जो होता है वो एक निश्चित समय पर दिया जाता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब तक हम जिस चीज की जानकारी नहीं हासिल करते उससे पहले हम उस ज्ञान की प्राप्ति, उस कौशल की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कौशल की प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय होता है कि हम किस टाइम पे उसकी प्राप्ति कर सकते हैं या हमें कहाँ उसकी प्राप्ति करनी है। तो कहा जाता है कि इसके लिए एक निश्चित समय होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें उस चीज को या उसके साथ दूसरी चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में व्यक्ति अपने मन की इच्छा जानता है कि उसे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। जब तक वो अपनी मनोस्थिति में नहीं आता है या उसे समझता नहीं है, जब तक वो उस कार्य को नहीं करता, उसमें कहा जाता है कि ये एक निश्चित समय पर किया जाता है, जिसके लिए एक सामान्य समय होता है कि वो कब इस कार्य को कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा कि जो कौशल प्राप्त करने का एक हमारा गुण होता है, कौशल प्राप्त करने का गुण होता है हमारी, जो हम जिस चीज में हमारे यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा गुण सबसे पहला कौन सा गुण होता है, यहाँ पर हमारी मनोदशा, मनो यानी कि मनोविकात्मक स्थिति जो हम ग्रहण करते हैं, यानी कि मन से हमारे मन जाने कि हमें किसे किस चीज की प्राप्ति करनी है। तो इसमें जो मेरा आज टॉपिक था इसमें मैंने आपको यही चीज बताई है। सबसे पहले मैंने कौशल का अर्थ बताया आपको कि कौशल का अर्थ क्या होता है, दक्षता, निपुणता, होशियारी। फिर मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई कि कौशल को हमेशा जब भी हम ग्रहण करते हैं उसकी निपुणता अर्थात उसकी जो हम उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं कार्यों को, वो हमारी कौशलता होती है। फिर मैंने इसके प्रकार बताए, प्रकार में मैंने आपको इसके चार प्रकार बता दिए, मनोविकात्मक, व्यवहारिक, सृजनात्मक और कलात्मक। फिर मेरा था इसमें विशेषताएं कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले ये तुलनात्मक ज्ञान की श्रेणी में आता है। फिर कहें कि ये ज्ञान हमारा कैसा होता है, अंतिम ज्ञान होता है, क्योंकि इसका ज्ञान में समावेश होता है और ज्ञान हमारी प्राप्ति अंतिम होती है। थर्ड था हमारा कौशल का हमेशा ज्ञान की उपयोगिता पर, यानी कि हम जिस चीज़ की ज्ञान ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, या हमें किस चीज़ की उपयोगिता है उसका ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसी में ही हम कौशलता हासिल करेंगे। फिर था हमारा निश्चित समय, कहा जाता है कौशलता के ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय होता है कि हमें किस समय जाकर उसकी प्राप्ति होती है। कौशल प्राप्त करने का गुण होता है जो कि एक मनोविदात्मक गुण होता है, जो हम मन के आधार पर इसको ग्रहण करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि कौशल, जो मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया है। और ये टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी।